नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वे एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। पेपैल ने एक नई क्रिप्टो करेंसी हब को शुरू किया है, जिससे वो वर्ल्ड डिजिटल करेंसी के फील्ड में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह हब यूजर्स को अलग अलग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का आसान रास्ता प्रोवाइड करने का पर्पस रखता है। इस कदम से पेपैल अपने पहले के अटेम्प्ट्स के साथ जुड़ा है, जिससे यूजर्स क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने, बेचने और स्टोर करने की परमिशन मिलती है। यह हब लर्निंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर्स क्रिप्टोकरेंसी और उनके पोटेंशियल मेजर्स के बारे में सीख सके। इस प्रोसेस से साफ दिखता है कि पेपैल प्रोफेशनल सर्विसेज के एक्सेस प्रोवाइड करने में कमिटेड है और डिजिटल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी पूरी तरह कोशिश कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। इस आर्टिकल में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के लिए ETF की अपीयरेंस को एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के रूप में पब्लिश किया गया है। ETF डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक अधिक इफेक्टेड और रेगुलर मेथड्स प्रोवाइड करता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ETFs इफेक्टेड इन्वेस्टर तक पहुँचने का एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर तरीका प्रेजेंट करता है, जिसमें गिने चुने स्टॉक एक्सचेंज पर कोट ट्रेडिंग करने की सुविधा होती है। इसमें ETF पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे अलग अलग इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने की संभावना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल ट्रेडिशनल शेयर मार्केट पर आसानी से होता है। इस आर्टिकल में रेगुलैरिटी प्रॉब्लम और मार्केट पर प्रभाव के बारे में चिंता बताई गई है, और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए मैग्निफिकेंस एंड रिकग्निशन बढ़ाने के पॉसिबल प्रॉफिट को जोड़ दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब तो हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो वर्ल्ड में हमेशा डिस्कशन का सब्जेक्ट होता है, लेकिन हाल ही में ये थोड़ा धीरे पेस में चल रहा है। स्टेबल प्राइस मूवमेंट दिख रहा है, इस वजह से कई ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, और वो किसी और जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और ये ले आता है हमें अगले पॉइंट पर। स्पॉटलाइट, शिब, यूनी, MKR और XDC जैसे अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी पर जब बिटकॉइन थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, तो ट्रेडर्स अपने ध्यान को और भी इंटरेस्टिंग प्लेयर की तरफ मोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिप की, जिसका ओरिजिन मीम से इंस्पायर हुआ है, यूनी की एक पॉपुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के गवर्नेंस टोकन, MKR की एक डिसेंट्रलाइज लैंडिंग प्लेटफॉर्म का बैकबोन, और XDC की जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को इन्हांस करने का मकसद रखता है। ये कॉइन्स हर एक अपनी यूनिक फीचर लेकर आते हैं, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब चलिए थोड़ा गहराई से जानते हैं कि इन पार्टिकुलर अल्टरनेटिव कॉइन्स पर फोकस क्यों बढ़ रहा है। शिब, यूनी, MKR और XDC, ये कॉइन हर एक अपने यूनिक फीचर्स लेकर आते हैं, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बिटकॉइन के सेंट्रलाइज हो जाने और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के कंट्रोल में आने की चिंता दिखाई गई है। माइकल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू पर स्पेशल फोकस किया गया है। उन्हें डर है कि बड़े कॉर्पोरेशन बिटकॉइन नेटवर्क पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिससे उसका डिसेंट्रलाइज स्वरूप कमज़ोर हो जाएगा। सेलर की चिंता है कंपनीज के बैलेंस शीट पर बिटकॉइन रखने के बढ़ते ट्रेंड से। उन्होंने यह इम्पोर्टेंस दिया है कि बिटकॉइन को आम इंसान के पास रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी डिसेंट्रलाइज नेचर को सिक्योर किया जा सके और कॉर्पोरेट डोमिनेंस से बचा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, हाल ही में हुई फ्लक्चुएशन को डीपली एनालाइज करके एक्सपर्ट लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकती है, जो आने वाले टाइम में रिवर्सल या स्टेबिलिटी के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट नेचुरल तौर पर वॉलेटाइल और रैपिड चेंजेस के लिए फेमस है, एक्सपर्ट की राय में बिटकॉइन के प्राइस के प्रति हो रहे पॉसिबल चेंजेस में हिंट मिल रही है। यह इम्पॉर्टेंट है कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और मार्केट के चेंजिंग कंडीशन के बेसिस पर फ्यूचर में इंडिकेशन चेंज हो सकता है। तो इतना ही आज के वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करो और हमारे चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।